अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यूएई में, दुबई में लेबर लाइफ कैसी है, कैसे लोग लेबर वगैरह जो इसमें दुबई में रहते हैं काम करते हैं। चलें आज की वीडियो करते हैं शुरू। ये मेरे पीछे सब कैंप वगैरह हैं जहाँ पर सब लेबर वगैरह अपना काम ख़त्म करके आती हैं और यहाँ पर रहते हैं और अपनी लाइफ गुजारते हैं। चलें चलते हैं आगे, यहाँ से चलते हैं हम आगे। तो ये लगता है कुछ इनका प्रॉब्लम हो गया है, ये लगता है कुछ गाड़ी वगैरह हिट हो गई है इनके साथ। तो ये अभी कुछ बहस वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा वैसे कुछ नहीं होता, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो फिर उसी मोमेंट पे, उसी लोकेशन पे पुलिस वगैरह आती है और आपका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट करती है। और ये देखें, ये सब यहाँ पे कैंप्स एरिया है और बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत कैंप बने हुए हैं। और लेबर ड्यूटी के बाद आती है यहाँ पे और रिलैक्स करके अपना टाइम वगैरह पास करती है। चलिए मैं आपको आके दिखाता हूँ, यहाँ पे साथ में होटल वगैरह भी हैं जहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में चीज़ें वगैरह मिलती हैं खाने की। ये देखें एक होटल है, तो यहाँ पर खाने का सामान वगैरह मिलता है। इसमें देखें समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी और बहुत ही कम प्राइस में है यहाँ पे। जैसे कि ये बाहर लिखा हुआ है 5 दरहम में बिरयानी। और जैसे ही देखें लोग ड्यूटी के बाद यहाँ पे आते हैं और बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। इसी तरह से एक सामने भी है और इसी तरह उनमें भी बहुत डिस्काउंट प्राइस होती है। ये देखें एक बस आई है, इसमें लेबर वगैरह है सब। तो जैसे जैसे जिनका जो जो स्टॉप होता है वहाँ पे उनको ड्रॉप करती है और आगे नेक्स्ट की तरफ मूव करती है। ये है रोटी, पठान रोटी है। यहाँ पे आपको पठान की तंदूर की रोटी मिलती है गर्मा गर्म। ये कैंप एरिया जबल एरिया में लोकेटेड है, दुबई का एक एरिया है जबल अली। तो यहाँ पे सब कैंप एरिया है, सब लोग यहाँ पे लेबर वगैरह की अकोमोडेशन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लोकेटेड की हुई है। तो मोस्टली सब लोग जो लेबर वगैरह होते हैं वो तो यहीं पे रहते हैं और मोस्टली लोग जो ऑफिस स्टाफ या दूसरी ऑफिस में काम करते हैं वो तो बिल्डिंग्स में रहते हैं सिटी के अंदर। चलें आपको दिखाता हूँ एक आगे, देखें जैसे ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे टिकट का ऑफिस का एरिया भी है, यहाँ से आप टिकट वगैरह अपनी बुक कर सकते हैं। और जैसे रिफ्रेशमेंट के लिए लोग यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं। और एक वो सामने भी छोटा सा स्टोर लगा हुआ है, इसमें भी समोसे पकौड़े वगैरह हैं। चलें पूछते हैं क्या प्राइस है इसकी। अभी देखो एक दरम में मिलता है, इसमें देखो एक लड्डू भी है, जलेबी भी है, समोसा भी है, पकौड़ा भी है। कितने का देता है एक समोसा कितने का दिया? एक दिरहम का दिया। अभी आप ड्यूटी से आया? ड्यूटी से आया। चले आगे चलते हैं, उस साइड पे दिखाते हैं आपको समोसा पकौड़ा। अभी इस टाइम बहुत रश है क्योंकि अभी ड्यूटी ऑफ का टाइम है और सब लोग वगैरह ड्यूटी से आ रहे हैं और सब लोग अपने अपने रूमों में जाने के लिए बेताब होते हैं क्योंकि इस टाइम लोग थके होते हैं काम करके। तो देखें काफ़ी रश है यहाँ पे और देखें बस पे बस रुकी हुई है यहाँ पे। ये देखें अभी सब लेबर लोग वगैरह आ रही है यहाँ पे, हर चीज़ दिखती है। अगर आप अपनी
पेंट वगैरह सही करवाना चाहते हैं तो यहाँ से पेंट वगैरह भी आपकी सही हो जाएगी। यहाँ पे हर सहूलत अवेलेबल है लेबर एरिया में, और देखिए इस तरफ से लेबर वगैरह आ रही है, सब अपने काम कर रही है। और इस तरफ पूरी बसेस वगैरह खड़ी हैं उनकी बस, क्योंकि लेबर लाइफ है यहाँ पे, हर सहूलत अवेल करते हैं ये लोग, क्योंकि बाज़ारों मार्केट में नहीं जा सकते तो इसी एरिया के अंदर ये लोग कुछ चीज़ आपकी कपड़ा वगैरह ख़राब हो गया उसको सीने के लिए, कोई भी चीज़ की मेंटेनेंस करने के लिए, जैसे कि जूते टूट गए हैं इवन के यहाँ पे वो उनको जूतों को भी सही किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। चलें आगे देखते हैं और आपको दिखाता हूँ, और कुछ नज़र आता है तो। अभी तो सब देखें लेबर लोग वगैरह आ रही है, काम से थके हुए हैं और जल्दी जल्दी अपने रूमों की तरफ जा रहे हैं। फिर ये लोग फ्रेश वगैरह होके फिर थोड़ी सी शाम के बाद रात को रिफ्रेशमेंट के लिए ये लोग फिर कैंपों से बाहर निकलते हैं, कुछ जूस वगैरह, पेप्सी, कुछ समोसा पकौड़ा जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, तो फिर ये लोग उसको खाएंगे, अपने मील को इंजॉय करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये भी एक दुबई की लेबर एरिया की बहुत बड़ी मार्केट है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है और गाड़ियों का वगैरह का भी बहुत रश है देखें। और जैसे कि इस एरिया में ज़्यादातर ट्रक वगैरह और बसेस वगैरह हैं और लोग अभी आ रहे हैं, काफ़ी रश है देखें किस तरह अरेंजमेंट करके, और लाइन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग रूल को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। चलें चलते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरिया भी बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है, खाने की पीने की, और इवन के यहाँ पे आप दाल रोटी को बस शवारमा हर चीज़ आपको मिलेगी, और ये सब कैंप एरिया है, यहाँ पे काफ़ी रश होता है और मोस्टली तो लोग उसके बाद यहाँ पे चाय वगैरह पीना पसंद करते हैं, समोसा पकौड़ा है और मतलब स्नैक्स वगैरह खाना पसंद करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली लोगों के हाथ में आपको चाय ही नज़र आएगी इस टाइम, शाम के टाइम, और चाय भी आपको एक दरम में मिल जाती है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। देखें ये दुकान है रोस्टेड, कुछ इसमें रोस्टर वगैरह है, और ये इधर गोल्ड की दुकान भी है। एक कैंप एरिया में हर चीज़ की सहूलत है, आप अगर लेबर को या कुछ भी यहाँ पे ख़रीदना हो तो कुछ मुश्किल नहीं है, इजीली ख़रीद सकते हैं। ये एटीएम मशीन है, और जिन जिन लोगों को सैलरी वगैरह मिली है वो लोग एटीएम से पैसे वगैरह निकाल रहे हैं और अपने घरों को भेजेंगे। और देखें कितना रश है इस टाइम, क्योंकि मोस्टली लोग वापस आ जाते हैं ड्यूटी से। चलें आगे चलते हैं, ये भी एक ज्वेलरी की बहुत बड़ी दुकान है और साथ ही एक हाइपर मार्केट है मदीना, और यहाँ पे कुछ रश लगा हुआ है, लग रहा है कि क्रिकेट मैच देख रहे हैं। हाँ ये देखें ये सब लोग वगैरह यहाँ पर खड़े हैं, और वहाँ पे क्रिकेट मैच लगा है और लोग खड़े होकर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सबके पास यहाँ पे तो नहीं होता है टीवी वगैरह, क्रिकेट मैच में एंजॉय कर रहे हैं, साथ स्पीकर लगा हुआ है और साथ में खाने पीने का सामान लेते हैं मार्केट से और एंजॉय करते हैं। इधर भी लगता है कुछ ऐसी खासी प्रमोशन लगी हुई है, काफ़ी रश है, अंदर रमज़ान स्पेशल की कुछ ऑफर्स वगैरह लगी हुई हैं, तो जिधर जिधर भी आप जाएंगे आपको हर आदमी के हाथ में कप और जगह जगह समोसे पकौड़े, और इधर जूसेस वगैरह भी अवेलेबल हैं, उसे पूछते हैं भाई कितने का है समोसा वगैरह, कितने का एक दरम का, इसमें और भी है जूस वगैरह भी है, जलेबी भी है,
हर चीज़ वो अवेलेबल है जो लोगों को पसंद है खाने में। अब ये देखें ये होटल वगैरह, यहाँ पे इनके चप्पल कबाब और टिक्का वगैरह हर चीज़ है। ये बाहर चिकन है, ये भी ज़्यादा महंगे नहीं होते, कभी कभी इन्होंने ऑफ़र में लगाए होते हैं, 5 दरम का एक पीस मिल जाता है, 10 दरम में 2 मिल जाते हैं ऑफ़र में। ट्रक के बारे में आपको बताऊंगा मैं, ये क्या है बेसिकली, ये ट्रक जो है हर कैंप का जो कचरा वगैरह होता है, मतलब टॉयलेट वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, वो सब एक टैंकी में जमा होता है। उसके बाद इस तरह के ट्रक आते हैं और ये ट्रक उसको बिल्कुल जिस टैंकी में कचरा जा रहा होता है उसको खाली करके इसमें लोड कर लेते हैं और फिर ये किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट ने एरिया लोकेटेड किया हुआ है वहाँ पे जाके इसको सारा फेंक दिया जाता है उस एरिए में। अभी एक और मार्केट आगे आई है, यहाँ पे भी देखें कितनी दुकानें हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे इतनी तादाद में लेबर है कि हर दुकान का काम चलता है और इसीलिए यहाँ पे देखें खाने पीने की चीज़ें और हर सामान की दुकान यहाँ पे है। चलें, ज़्यादा रश जो मुझे नज़र आ रहा है वो आपको खाने पीने की चीज़ों के बाहर ही है, मतलब चाय समोसा पकौड़ा और नॉर्मली चीज़ें। तो आपको जब कोई छुट्टी वगैरह जाता है तभी लोग लेते हैं। सही है, दुकान है यहाँ पे, एक सब सामान मिलता है, चॉकलेट्स वगैरह जो आप जब छुट्टी जाते हैं तो लेके जाते हैं, और इसमें नट्स वगैरह भी हैं। मोस्टली लोग यहाँ से सामान ले के जाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, और इसमें हर चीज़ अवेलेबल है जैसे चॉकलेट्स वगैरह है। और ये भी जबल एरिया के एरिया में अवेलेबल है जो कि मुनासिब प्राइस में मिल जाती है यहाँ पे। इसमें ट्रेड्स भी हैं खजूरें और मुनासिब प्राइस के अंदर है। मैं आपको दुकान का नाम भी बता देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप आएँ इधर और ज़रूर परचेज करें। बहुत अच्छा सामान है यहाँ पे। ओके भाई, शुक्रिया। इसी तरह आगे चलते हैं, ये कुछ लग रहा है कैफेटेरिया है लास्ट में, तो इधर भी वही सामान लग रहा है, समोसे पकौड़े और खाने पीने की चीज़ें हैं, क्योंकि समोसे पकौड़े चाय ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एक एक दरम में मिल जाती है आपको, तो इसलिए लोग खाते हैं इधर। तो देखें काफ़ी रश है इधर भी, लोग बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी मैं ये एक ऐसा रास्ता है जो कि बस शॉर्टकट कह सकते हैं, उस रास्ते से जा रहा हूँ और ये मस्जिद है यहाँ पे, देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी मस्जिद बनाई हुई है लेबर्स के लिए, ये 7 जमात हो रही है अभी मगरिब की, इंशाल्लाह मैं अभी जाके नमाज पढ़ता हूँ अभी। और मिलते हैं फिर के बाद। ये अभी मैं मेन रोड की तरफ आया हूँ और ये देखिए यहाँ पे सब जितनी हैवी ट्रैफिक ट्राले ट्रक इस रोड पे खड़े होते हैं और साथ ही इनके कैंपस वगैरह लोगों के, यहाँ पे लोग खड़े कर जाते हैं अपनी गाड़ियाँ। देखें दुबई, दुबई आप कहते हैं लेकिन दुबई में ये चीज़ें भी होती हैं जो नहीं दिखती, उनके उन सब का एक एरिया बनाया हुआ है, जगह बनाई हुई है, तो इन सब को उसी एरिया के अंदर खड़ा करना, इनको लोकेट करना होता है। ये देखेंगे यहाँ की बस है दुबई की,
तो ये उसका बस स्टैंड है, यहाँ पे ये खड़ी होगी और पैसेंजर वगैरह उतरेंगे। चले आगे चलते हैं। आज की वीडियो करते हैं इधर ही ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जिसके आज के बारे में आपको लेबर की लाइफ दिखाई गई है यहाँ पे दुबई में, कैसे वो लोग यहाँ पे रहते हैं और अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे कैसी कैसी मुसीबतों से गुजरते हैं बेचारे और मेहनत करते हैं। और ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग जिनके लोग यहाँ पे परदेश में आए हुए हैं दुबई में, वो अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। इसी तरह उनका भी हक बनता है के घर वाले उनका ख्याल करें, उनको उनके फ्यूचर के बारे में सोचें। तो आज उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।